कटनी जिले में अवैध सट्टे कारोबार पर लगाम लगाने की पुलिस कप्तान सुनील जैन के निर्देशन में कार्यवाही की गई। आज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलते ही गाटरघाट से आईपीएल क्रिकेट मैच के सट्टे का कारोबार करने वाले अरबाज खान नामक युवक को धर दबोचा। बताया गया कि लालू सिंधी नामक कारोबारी को सट्टे का उतारा पलटी कारोबार करता रहा, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी जांच कर कार्यवाही करने की बात कटनी कोतवाली ने कही। सट्टे के छापामार कार्यवाही से एलईडी टीवी के साथ सेट टॉप बॉक्स व 4 मोबाइल के साथ कुछ नगद राशि भी मिली है। बाकी 3 लाख के रुपए की रकम की लेन देन की बात सामने आई है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बैलट घाट में एक अरबाज भाईजान करके सट्टा खिला रहा है। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई, जिनके निर्देशन में एडिशनल एसपी और सीएसपी महोदय के मार्गदर्शन में आज हमने एक टीम बना करके और रेड किया, जहां पे अरबाज खान के पास से 2400 रुपये नकद, 3,80,000 रुपये का हिसाब किताब, 4 मोबाइल, 1 टीवी, 1 सेटअप बॉक्स, रिमोट मिला। उसके खिलाफ सट्टा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये कब से खिलाफ, उसके पहले भी कोई इसका प्रकरण? अब अभी इसने बताया है, पूछताछ कर रहे हैं हमसे। उसने बताया सर 3-4 दिन से हम खेल रहे हैं इसको। कटनी में किसी गिरोह से जुड़ा हुआ व्यक्ति? कटनी में एक लालू सिंधी करके नाम बताया है उसने कि मैं उसको पलटी करता हूँ। अब उसके मोबाइल की हम जांच करेंगे, मोबाइल में देखेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर बरामद क्या क्या? बरामद में वही बताया हमने, टीवी, 2400 रुपये नकद, 4 मोबाइल सेट बरामद हुए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए कटनी से सत्येंद्र गौतम की रिपोर्ट।